चैप्टर वन है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हिंदी होता है सौर मंडल, द अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी। तो सौर मंडल में हमारी पृथ्वी का क्या पोजीशन है, इसके अगल बगल नेबर्स कौन कौन से हैं सौर मंडल में और क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आधे घंटे से भी कम में इस चैप्टर को खत्म कर दें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लाइन बाय लाइन मैं पढ़ के आपको एक मोटा मोटी समझा दूंगी ऊपर ऊपर, और अगर आपको बहुत डिटेल एकदम एकदम लाइन बाय लाइन चाहिए तो वो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगी। बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। कहीं पे भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। यहाँ पर बात हो रही है स्टार्स की। आपने रात में देखा होगा अक्सर कि आसमान में छोटे छोटे कुछ तारे टिमटिमाते रहते हैं। जानते ही आप किसको तारे कहते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। सिंपली दे ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। कुछ ऐसे होते हैं जो टिमटिमाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपली ग्लो करते हैं, उनमें टिमटिमाहट नहीं होती है। मैंने अपने खुद से एक नया वर्ड बना लिया, वाओ। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द रेज। आपको चंदा मामा भी दिखे होंगे बहुत सारे दिनों में, आप देखे होंगे वो बढ़ते घटते रहते हैं। तो फुल मून नाइट अगर आप कहीं देखते हैं तो फुल मून नाइट मतलब होता है पूर्णिमा, और नेक्स्ट न्यू मून नाइट मतलब होता है अमावस्या। इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, आगे हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजिशंस। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। तो एक मंथ में आपको पता ही होगा, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है, 15-15 दिन का दोनों का टाइम होता है। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है। तो इसी तरह से फुल मून नाइट को हम लोग कहते हैं पूर्णिमा और न्यू मून नाइट को हम लोग कहते हैं अमावस्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। आपने कभी सोचा है कि दिन के समय में हम उसे क्यों नहीं देख पाते, इन चीज़ों को, जैसे कि चंदा मामा को हम लोग दिन के समय में क्यों नहीं देख पाते हैं, या फिर तारों को हम लोग दिन के समय में क्यों नहीं देख पाते हैं? इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो अगर आपके मन में ये ख्याल आता है कि हमें भाई दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि जो सूरज दादा हैं, सूरज दद्दू जो हैं, उनके अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम लोग रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि दिन में उनका जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से हमें वो कम लाइट वाली चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। वैसे भी अगर आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से ही चमकता है। सो आगे बढ़ते हैं। द सन मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। रात में आपको जो भी चीज़ दिखते हैं आसमान में, जैसे कि रात में नहीं दिन में, जो कि सन हो गए, मून हो गए, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज इंग्लिश में। और हिंदी में अगर हम लोग कहें तो उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, कुछ बहुत बड़े होते हैं, गर्म होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है। दे इमिट लाइट इन लार्ज अमाउंट्स। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, उनको हम लोग स्टार्स कहते हैं। तो स्टार्स गैसेस से बने होते हैं, याद रखना है, और बहुत बड़े होते हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं इसलिए बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पर वो असल में बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे टुक सो टाइनी बिकॉज दे सॉरी एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। जैसे कि मैंने बताया, बहुत दूर है हम लोग से। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आप लोग करिएगा पढ़ के। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हैव हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। तो ये आपने देखा होगा कि अगर आपसे कोई चीज़ बहुत दूरी पे हो तो वो छोटी दिखाई देती है। वाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दिस आर कॉल्ड कॉन्सलेशंस। तो अगर आप रात में आसमान की ओर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तारे मिलकर एक कुछ समूह जैसा बना रहे हैं, कुछ एक पैटर्न बना रहे हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सलेशंस, हिंदी में कहते हैं नक्षत्र मंडल। ऊर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ सच कॉन्सलेशन, ये एक एग्जाम्पल है, कॉन्सलेशंस का एग्जाम में आ सकता है, इसको नोट कर लेना है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्सलेशन इज द सप्तऋषि, ये बहुत आसानी से दिख जाता है, आप रात में जाकर जरूर देखिएगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इसीलिए इसको सप्तऋषि कहते हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ऊर्सा मेजर कॉन्सलेशन। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. तो आप
एक एक्टिविटी आपको ये करना है घर पे। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। पुराने जमाने में लोग तारों का प्रयोग करते थे दिशा निर्धारित करने के लिए। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो जो नॉर्थ स्टार होता है जिसको हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं, पोल स्टार भी कहते हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पुराने ज़माने में लोग, और वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, वो नॉर्थ में रहता है हमेशा ही और वो बहुत ज़्यादा चमकता है, तो उसी को देख के लोग दिशा का अंदाजा लगाया करते थे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। लुक एट फिगर 1.1। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये लड़की है और यहाँ से ये देख रही है, तो ये जो है हमारा पोल स्टार हो गया यहाँ पे, और ये है हमारा सप्तऋषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डो नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज का हिंदी मैंने आप लोग को बताया था खगोलीय पिंड, जिनके की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उनको हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो वो तारों की चमक से चमकते हैं। सम बॉडीज आर कॉल्ड, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उन्हें हम लोग प्लैनेट कहते हैं, यानी कि ग्रह कहलाते हैं। वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। तो प्लैनेट शब्द जो आया है वो एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आई है, जिसका मतलब प्लैनेटाई से आया है जिसका मतलब होता है वॉन्डर। वॉन्डर मतलब भटकता हुआ। चारों ओर घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आर नियरेस्ट स्टार। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो सबको पता होगा कि अर्थ एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, जिसको कि सूर्य से प्रकाश मिलता है, और अगर आप दूरी से देखेंगे, मान लीजिए आप चंद्रमा पे से अपनी पृथ्वी को देखेंगे, तो ये आपको चमकती हुई दिखाई देगी, जैसा कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा चमकते हुए दिखाई देता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। इट इज a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are seven other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी की तरह ही और भी प्लैनेट्स हैं, वहाँ उन पर जीवन नहीं है, लेकिन पृथ्वी की तरह ही प्लैनेट्स और हैं। कुछ प्लैनेट्स गैसियस हैं, कुछ प्लैनेट रॉकी प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनर आउटर। और प्लैनेट्स के पास अपनी एक सैटेलाइट भी होती है। वैसे सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक आर्टिफिशियल जो कि हमारे द्वारा भेजा जाता है अंतरिक्ष में, और एक सैटेलाइट जो कि नेचुरल होता है प्लैनेट्स का। तो हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसको कि मून कहते हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। तो जो जुपिटर सैटर्न और यूरेनस तीन जो प्लैनेट हैं उनके आसपास रिंग्स दिखाई देते हैं। वो रिंग्स असल में छोटे छोटे डिब्रिस, मतलब कुछ समझ लीजिए जी, छोटे छोटे पत्थर अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं, उन्हीं के घूमने की वजह से, बहुत सारे रहते हैं तो उन्हीं के घूमने की वजह से एक बेल्ट टाइप बनता दिखाई देता है, और उसको हम लोग अर्थ से देख सकते हैं टेलीस्कोप की मदद से, बहुत ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से। सो आगे बढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम, सौरमंडल के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। द सन, एट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में एक सूर्य है, आठ ग्रह हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, तो ये सब मिलके हमारे सोलर सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, तो एक तरह से सोलर सिस्टम का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, एक मिनट लेट मी, अब मैं इसको कैसे आपको टिल्ट करके दिखाऊँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आउटर प्लैनेट्स हैं। और इन, ये जो इनर प्लैनेट्स हैं इनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं इसको गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। बस इतना आप लोग जान लीजिए, बाकी आप लोग खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक डू यू नो दिया गया है, सॉल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। तो रोमन जो कहानियाँ हैं, पौराणिक रोमन कहानियाँ, उसमें सोल मतलब सूर्य देवता होते हैं। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर मतलब कुछ भी जो सूर्य से जुड़ा हुआ हो। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि वाई सोलर सिस्टम इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है कि सोलर शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन से आप बहुत सारे वर्ड्स लिखिए, जितना आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग सन के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि सूर्य के बारे में। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इट इज़ ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज।
बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है, बहुत बड़ा है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और ये इसका ये एक खिंचाव बल भी है जिससे कि सोलर मंडल को ये बांधे रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, ये सबको पता होगा कि जो सूर्य है वो एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. लेकिन ये बहुत नज़दीक होके भी हमसे बहुत दूर है, हमें दिखता है कि ये नज़दीक है लेकिन असल में ये बहुत दूर है। The sun is about 150 million kilometers away from the earth. 15 crore kilometers दूर है ये हमसे। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट हैं, पहले 9 हुआ करते थे, आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। पहले 9 प्लैनेट्स थे, एक प्लूटो था जिसको कि बाद में ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, आई थिंक 2006 में। उसके बाद से हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स काउंट किए जाते हैं जिनका के नाम है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसको याद करने के लिए यहाँ पर ट्रिक भी दिया गया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। तो इसको याद करने के लिए आप लोग इस ट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, दीज पाथ्स आर इलांगेटेड, दीज आर कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि जिस पाथ पे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं वो कैसा है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इलांगेटेड। तो यहाँ पे आप लोग को सर्कुलर नहीं लिखना है, आप लोग को इलांगेटेड लिखना है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, तो इनको हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं या फिर हिंदी में अगर बोले तो इनको कक्षा कहते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, तो मरकरी सन के सबसे करीब है। इट ओनली टेक्स अबाउट 88 डेज टू कम्प्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, तो मरकरी को केवल 88 दिन ही लगते हैं, अर्थ को 365 दिन लगते हैं। वेनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, वेनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसका जो आकार है और आकृति है लगभग पृथ्वी के ही समान है। टिल रिसेंटली अगस्ट 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, तो मैंने कहा ना अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट का दर्जा दिया जाता था, लेकिन इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक डिसीजन बना कि प्लूटो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। तो जैसे कि सेरस को हमने ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया था, वैसे ही प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। अर्थ के बारे में जान लेते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अर्थ पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, और इसका साइज के अकॉर्डिंग हम लोग माने तो ये पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है साइज में। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेन एट द पोल्स, तो ये जो पोल्स है ना हमारे साउथ पोल नॉर्थ पोल वहाँ पे थोड़ा सा ये चपटा टाइप है, तो हम लोग अर्थ को गोल नहीं कह सकते, सर्कुलर नहीं कह सकते। इसका एक नाम दिया गया, इस जो शेप साइज है उसको हम लोग जियोड कहते हैं। जियोड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, बताइए क्या कहा जा सकता है। तो जियोड स्पेशली अर्थ के लिए ही बनाया गया है, पृथ्वी के समान आकार इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। Do you know, humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. तो जो भी ये खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में जो लोग अध्ययन करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, अगर हिंदी में कहें तो खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया, तो आर्यभट्ट का नाम आप सबने सुना ही होगा, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट, जो कि हम लोग आज मानते हैं, उन्होंने सही बात कही थी। आगे बताएं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ, जीवन के लिए अनुकूल जो भी परिस्थितियां हैं संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। इट हैज़ वाटर एयर, पानी है इसके पास, हवा है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, और ये ब्लू इसीलिए दिखाई भी देता है। अब मून के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे अर्थ का सैटेलाइट है। और अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, तो इसका जो व्यास है वो केवल 1/4 है पृथ्वी के। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड द मून, जो भी है। तो ये आपने देखा होगा कि सूर्य और चंद्रमा करीब करीब हमें सेम ही साइज़ के दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है, एक्चुअली पृथ्वी से ही बहुत छोटा है, आपने देखा ही। तो लेकिन चंद्रमा जो है हमारे करीब है, सूर्य बहुत दूर है, इसलिए ऐसा होता है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days, तो हमारी जो एक महीना होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं वो यही है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कम्प्लीट वन स्पिन, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्यों ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ।
इसका आंसर यहाँ पे है, द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन्स प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सर्फेस, दिस कास्ट शैडोज ऑन द मून सर्फेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडोज। तो आप लोग मून को देखेंगे तो उस पर आप लोग को छाया टाइप आप लोग को दिखाई देगा, असल में वो छाया नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे रोशनी नहीं जाती, तो वो हमें दाग धब्बे टाइप दिखाई देता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969, ये आप लोग को याद रहना चाहिए, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्ट्रियल बॉडीज दैट मूव्स अराउंड, तो यहाँ पर सैटेलाइट का डिफिनेशन दिया गया है और ह्यूमन मेड सैटेलाइट का भी यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। आगे बढ़ते हैं एस्ट्रोलाइट्स की तरफ, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स there are numerous tiny objects which also move around the sun, these bodies are called asteroids, they are found between the orbits of the Mars and Jupiter। ये क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोरेड मेनी ईयर्स बैक, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है, उनके अनुसार कहा जाए, उनका कहना है कि ग्रह के ही ये भाग होते हैं। एस्ट्रॉइड्स को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रह के भाग होते थे जो कि बहुत वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर बिखर गए हैं। मेट्रॉइड्स की बात कर लेते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको मेट्रॉइड्स कहते हैं, हिंदी में इनको उल्का पिंड कहते हैं, टूटा हुआ तारा उल्का पिंड। समटाइम्स दिस मेट्रॉइड्स कम नियरर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स ऑन द मेटियर विदाउट बीइंग बर्न कंप्लीटली फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो, तो जो टूटा हुआ तारा तुम देखते हैं वो टूटा हुआ तारा नहीं होता है, वो उल्का पिंड होता है, मेट्रॉइड होता है, जो कि इतनी तेज़ी से आता है कि फ्रिक्शन के कारण उसमें गर्मी पैदा होती है, गर्मी की वजह से वो जलने लगता है, जलने की वजह से उसमें से लाइट निकलने लगती है और वो चमकने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना पूरा जले ही वो धरती पे गिर जाता है, उससे एक बहुत ही बड़ा धरती पे गड्ढा बन जाता है। डू यू सी व्हाइट इज ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियरली नाइट स्काई, इट इज क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, दिस बैंड इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी, तो हमारा सोलर सिस्टम जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स बनकर ना एक गैलेक्सी बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी इन एंशिएंट इंडिया, इट वाज इमेजिन टू बी रिवर, तो इसको आकाश गंगा भी कहते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और देखिए प्लैनेट सन वगैरह मिलकर बनाते हैं एक सोलर सिस्टम, ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, वो बनाते हैं यूनिवर्स, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यूनिवर्स का हिंदी होता है ब्रह्मांड, इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है खत्म, अब हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइजेस को नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 7 को एक्सप्लेनेशन उसका करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको खुद से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।